नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्स पर। दोस्तों आज की वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है जयपुर, इसके द्वारा हाल ही में जो APRO के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका था। तो रिजल्ट के बाद जो यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है ये जारी हो चुकी है। और अगर आप अपनी ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट ये देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाले आइकन ऐसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय हम ये जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है जयपुर, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और RSM SSB.rajasthan.gov.in, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यूज़ नोटिफिकेशन वाला, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस न्यूज़ नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा, ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं APRO 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट, और नीचे है APRO 2021 लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बना दी गई है, तो आप इस वीडियो के अंत में ये वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप रिजल्ट ये चेक कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है। तो बात करें यहाँ पर ऊपरले वाले नोटिस की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल की, तो जैसे जाम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे या डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। उसके बाद जैसे जाम इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट ये आ जाएगी, ये आपका यहाँ पर नोटिस आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। डेट हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ कार्यालयादेश है कि बोर्ड के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम 1975 और संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्त नियम 2014 के अंतर्गत सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 69 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 7, कुल 76 पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षा दिनांक 24/4/22 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा का परिणाम ये 13/5 को जारी किया गया है, और सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती 2021 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त 69 पदों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर श्रेणी वारिक पदों का लगभग 2 गुना 142 एवं अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त 7 पदों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर श्रेणी वारिक पदों का लगभग 2 गुना मतलब 14, 7 अगर पोस्ट है तो उसके 2 गुना 14 अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह सूची पूर्णतः अस्थायी एवं अंतिम है, प्योरली प्रोविजनल है, और इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है। साथ ही पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रति में भी लिया जाना है। अतः सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न अनुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 10 बजे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर जयपुर पर पात्रता की जाँच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और दो दो उनकी फोटोकॉपी आपके साथ होनी चाहिए, और 10 बजे समय रखा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर जयपुर में, तो ये स्थान है यहाँ पर आपने आना है। अब आप यहाँ पर अपना रोल नंबर ये देख सकते हैं, यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र, ये डेट है आपकी 25/5/2022, अलग अलग टीमें यहाँ पर बनाई गई है, टीम ए इनका रहेगा 25/5/2022 को, ये आपके रोल नंबर है, यहाँ से आप देख सकते हैं 5000025 यहाँ से लेकर और ये 69 तक, तो अपना रोल नंबर इसमें देख सकते हैं, और ये साइड में डेट है। उसके बाद यहाँ पर 25/5/2022 ये टीम बी में है, ये रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद जो 26 तारीख को बुलाए गए हैं और इसमें रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ये 26 तारीख में ही यह टीम बी है। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों को विशेष ध्यान रखा जाए, जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अनुभव का लाभ लिया है वे अभ्यर्थी किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में
पत्रकारिता के 3 वर्ष के अनुभव की सक्षम प्राधिकारिका प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से अपने विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करें। साथ ही मूल प्रमाण पत्र भी दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ लेकर आएँ। तो जो भी कुछ आपने डॉक्यूमेंट उस समय फिल किया था फॉर्म भरते समय, तो वह सभी जो आपके पास होने जरूरी है, नहीं तो वो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है नंबर 2 में कि विस्तृत आवेदन पढ़ने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है जिस पर हम इस समय हैं, ये अंतिम चयन है। तो विस्तृत आवेदन सह प्री निरीक्षक प्रपत्र भरने तो आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए दिनांक 24/11/2021 को जारी विज्ञापन संख्या 7/21 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। और विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लेकर आना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। फोटोकॉपियां आप इनके साथ ले सकते हैं, लेकिन मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह प्री निरीक्षा प्रपत्र बने तो आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप में प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क 250 ही जमा करवाया है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय अवश्य लेकर आएं। तो ये जो इनकम वाला जो है ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट जो ये जारी हुई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।